Good morning, students. Today I am here with 1.3 exercise of chapter 1, knowing our number. In last video we have completed our first and second question. Now we are going to start our third question, that is estimate the following products using general rule. Is question ko bhi aapko kya karna hai, estimate karke kiske according, general rule ke according, or product find out karna hai. Product means in number ki kya karni hai aapko, multiply. First 578 ko general rule ke according estimate karoge, और उसके बाद 161 को, फिर जो आंसर आए उन दोनों का आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन कैसे करेंगे, फर्स्ट 578 को जनरल रूल के अकॉर्डिंग आप राउंड ऑफ करोगे तो ये आपका 578 है. थ्री डिजिट नंबर है इसलिए इसको हम राउंड ऑफ करेंगे हंड्रेड्स में. ये भी थ्री डिजिट नंबर है, इसको भी राउंड ऑफ किस में करेंगे आप, हंड्रेड्स में. तो क्या आ जाएगा, 578 इज़ राउंड ऑफ टू 578, किस किस के बीच में आता है 578, 500 और 600 के बीच में आता है, तो किसके राउंड ऑफ हो जाएगा ये 600 के राउंड ऑफ. इसी टाइप से 161 इज़ राउंड ऑफ टू, 161 किसके राउंड ऑफ हो जाएगा, 161 अगेन किस किस के बीच में आता है, 100 और 200 के बीच में. तो 161 जनरल रूल के अकॉर्डिंग किसके राउंड ऑफ हो जाएगा, 200 के राउंड ऑफ. ये हो गया आपके 200 के राउंड ऑफ. और हमें अब फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई साइन. तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 578 के प्लेस पे है अब हमारा 600, और 121 के प्लेस पे क्या है, 200. ये आ गया आपका 600 मल्टीप्लाई 200. अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 2 4 0 और 6 2 जा 12. ये है आपका जनरल रूल के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड प्रोडक्ट. तो इसी टाइप से आपका बी पार्ट है. बी पार्ट में क्या है आपकी स्टेटमेंट, सी बी पार्ट, 5281 3491. इसको भी हमें क्या करना है, एस्टिमेट करके जनरल रूल के अकॉर्डिंग और फिर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, क्योंकि इनके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई. अगर यहाँ पॉजिटिव साइन होता तो इनको हम ऐड कर देते, नेगेटिव साइन होता तो क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट, और अगर डिवाइड होता तो डिवाइड कर देते. अब 5281 किसके राउंड ऑफ हो जाएगा, किस किस के बीच में है ये, क्योंकि ये फोर डिजिट नंबर है, थाउजेंड्स में नंबर है, तो इसको किस में राउंड ऑफ करोगे आप, थाउजेंड्स में, राइट. 5281 इज राउंड ऑफ टू किसके हो जाएगा, 5281 किस किस के, किन टू थाउजेंड्स नंबर के बीच में है, 5000 और 6000 के बीच में है. तो ये आपको कल भी मैंने बताया था कि जब आपके पास थाउजेंड में राउंड ऑफ कर रहे हो तो आपको क्या देखना है, हंड्रेड के प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखना है. हंड्रेड के प्लेस पे क्या है, टू है, टू है तो स्मॉलर नंबर आपका आंसर होगा, तो किसके राउंड ऑफ होगा ये, 5000 के. इसी टाइप से 3491 इज़ राउंड ऑफ टू. अब देखो 3491 बिल्कुल नियर है किसके, 3500 के, ठीक है. वैसे तो हम इसको जो फोर डिजिट नंबर है उसको हमें राउंड ऑफ करना होता है किसमें, थाउजेंड्स में, बट ये गैप कितना है, ओनली नाइन नंबर्स का ही तो गैप है. इसलिए जिस जब आपका इस टाइप का नंबर हो कि वो थाउजेंड्स में आप उसको राउंड ऑफ करना चाहते हो, बट क्या है कि वो अगर इस टाइप का नंबर हो, 3525 के नियर अबाउट का जो नंबर है, या 3496 है या 400 है, उसको आप किस में राउंड ऑफ कर सकते हो, किसके अंदर, हंड्रेड्स में. तो आप इसको थाउजेंड्स में करोगे तो ये कहाँ रह जाएगा आपका, 3000 में, बट ये बिल्कुल ही नियर है तो इसको किस में कर दोगे आप, हंड्रेड्स में, ना कि थाउजेंड में. इस टाइप के कुछ नंबर ऐसे हैं जहाँ पे आपके बिल्कुल वो 500 के नियर है तो उसको क्या कर दोगे आप, हंड्रेड में, ना कि थाउजेंड में राउंड ऑफ करोगे, ठीक है. बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है. जैसे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गैप था आपका,
500 के नियर नहीं था, लेकिन ये एग्जैक्ट 500 के नियर ही है। 91 में 9 और ऐड करोगे तो 500 हो जाएगा, इसलिए ये किस में राउंड ऑफ कर दिया आपने 1000 की बजाय हंड्रेड्स में, तो इसका क्या हो जाएगा राउंड ऑफ में आंसर 3500। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा आंसर। नाउ प्रोडक्ट 3500 मल्टीप्लाई 5000। अब अगर इस टाइप का नंबर है तो साइड में उसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो आंसर आएगा वो क्या है आपका एस्टिमेटेड आंसर अकॉर्डिंग टू जर्नल रूल। ये मल्टीप्लाई आप अपने आप करके देख सकते हो। नाउ इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं जिसमें आपको जर्नल रूल में राउंड ऑफ करना है, उसमें मेन चीज़ आपको यही ध्यान रखनी है कि अगर आपका 3 डिजिट नंबर है तो उसको आप राउंड ऑफ करोगे किसके अंदर, हंड्रेड्स में, और अगर आपका 4 डिजिट नंबर है तो उसको राउंड ऑफ करोगे 1000 में। बट अगर पॉसिबिलिटी इस टाइप की है कि वो 4 डिजिट नंबर है लेकिन वो उस नंबर के 500 के बिल्कुल आसपास है, अगर ये होता 4426 तो ये ज़्यादा नियर किसके है आपका 4500 के, तो इस टाइप के जो नंबर हैं उसको आप 1000 की प्लेस पे हंड्रेड्स में राउंड ऑफ कर सकते हो। और राउंड ऑफ करने में अगर किसी स्टूडेंट ने बाय चांस इसको उसमें भी कर दिया, वैसे तो अगर 100 में 1000 में दिया होता तो इसका 3000 की बजाय 3000 ही आंसर होता, ठीक है, वो भी रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन जनरल रूल में आपको ध्यान ये रखना है कि ट्राई करना कि इस टाइप के जो नंबर है उसको आप थाउजेंड्स की बजाय 100 में ही राउंड ऑफ करो, ठीक है। इसमें और भी टू थ्री पार्ट्स हैं वो आपको इसी टाइप से करने हैं, जनरल रूल के अकॉर्डिंग उनको राउंड ऑफ करके और फिर सोल्व करना है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप क्लास के टाइम पे मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।